नमस्कार दोस्तों आज सभी का स्वागत है इस खास वीडियो में आज हम बात करेंगे उस बड़े मुद्दे पर जिसका इंतजार लाखों निवेशक कर रहे थे जी हाँ हम बात कर रहे सहारा इंडिया परिवार की जिसने हाल ही में एक बड़ी घोषणा की है ये खबर लाखों निवेशकों के लिए राहत लेकर आई है जिनके पैसे फंसे हुए थे सहारा परिवार के प्रमुख ने घोषणा की है कि उनका उद्देश्य है कि हर निवेशक का पैसा ब्याज सहित लौटाया जाए ये बयान निवेशकों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है जिन्होंने लंबे समय से अपने पैसों की वापसी का इंतजार किया है इसमें निवेशकों के लिए एक मजबूत संदेश दिया गया है कि उनका पैसा सुरक्षित है और उन्हें जल्द ही वापस किया जाएगा आप सवाल है कि ये पैसा कैसे मिलेगी तो दोस्तों प्रक्रिया को तीन चरणों में बांटा गया है पहले चरण में उन लोगों को पैसा लौटाया जाएगा जिन्होंने अपनी क्लेम जमा कर दी है इसके बाद दूसरा चरण में उन निवेशकों को पैसा मिलेगा जो अभी क्लेम प्रक्रिया में ही और आखिर में यानी तीसरे चरण में उन लोगों का पैसा लौटाया जाएगा जिनके क्लेम में किसी तरह की कमी पाई गई है अगर आप भी सहारा इंडिया के निवेशक है और आपका पैसा फंसा हुआ है तो आपको सबसे पहले सहारा इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी क्लेम प्रक्रिया पूरी करनी होगी वहां आपको कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे जैसे कि आपके निवेशक की जानकारी आपकी पहचान प्रमाण पत्र और आपका बैंक खाता नंबर इसके बाद आपकी क्लेम को प्रोसेस किया जाएगा अगर आपने क्लेम किया है तो आप अपनी क्लेम की स्थिति सहारा इंडिया की वेबसाइट पर देख सकते हैं यह एक अलग सा सेक्शन है जहाँ आप अपने क्लेम का स्टेटस देख सकते हैं जैसे ही आपकी क्लेम को मंजूरी मिल जाएगी आपको आपके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा यह सचमुच एक बड़ी खुशखबरी है लेकिन दोस्तों इसके साथ ही में सतर्क भी रहना होगा कि कई बार फर्जी खबरें और अफवाहें भी फैल जाती है इसलिए आपको हमेशा आधिकारिक सूत्रों से जानकारी लेनी चाहिए सहारा इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट और समाचार चैनलों पर ध्यान रखें और वहां से ही अपडेट लें। अब बात करते हैं आखिर यह समस्या पैदा कैसे हुई पिछले कुछ सालों में सहारा इंडिया पर कई तरह के आरोप लगे कंपनी के खिलाफ कई निवेशकों ने शिकायतें दर्ज करवाई कि उन्हें उनका पैसा नहीं मिल रहा है इसके बाद सरकार ने सहारा इंडिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू की और मामला अदालत पहुंच गया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर सख्ती दिखाई है और सहारा परिवार को आदेश दिया है कि निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द लौटाएं इस फैसले के बाद से ही निवेशकों में उम्मीद जगी है उन्हें उनका पैसा वापस मिलेगी इस पूरी प्रक्रिया को सरकार और न्यायालय की देखरेख में अंजाम दिया जा रहा है ताकि हर निवेशकों को कुछ सही समय पर पैसा मिल सके अगर आपको इस बार बारे में किसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप सारा इंडिया के कस्टमर केयर नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं अगर आप निवेशक हैं और अभी तक आपने क्लेम नहीं की है तो जल्द से जल्द इसे कर लें यह आपकी मेहनत की कमाई है और इसे आपस पाने का यह सही समय है किसी फर्जी वेबसाइट या फोन कॉल से सत रहे और हमेशा आधिकारिक सूत्रों से ही जानकारी ले अब हम कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं जो सहारा इंडिया निवेशकों के लिए बेहद जरूरी है कृपया वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप पूरी जानकारी पा सकें आजकल कई फर्जी वेबसाइट्स और कॉल सामने आ रहे हैं जो निवेशकों से उनकी क्लेम के लिए जानकारी मांगती है आपको बता दें कि सहारा इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा कहीं भी अपनी जानकारी ना दें किसी भी फोन कॉल या मैसेज पर भरोसा ना करें। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो और किसी निवेशक का किसी भी तरह की समस्या आती है तो वो सीधे सारा इंडिया के सहायता केंद्र से संपर्क कर सकता है सारा इंडिया का कस्टमर केयर प्रतिनिधि आपकी पूरी मदद करेगी दोस्तों भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए जरूरी है कि हम निवेशक यानी निवेश करते समय पूरी जानकारी हासिल करें किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उनकी पूरी पृष्ठभूमि और बाजार में उसकी स्थिति के बारे में जानकारी लें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सारा इंडिया से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर और निवेशकों के पैसे वापस मिलने का प्रक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा की है हम आगे आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से सारी जानकारी मिल गई होगी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप भविष्य समय भी ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट पाते रहे धन्यवाद